कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत ओम नमः सुदेव्यः ओम नमः सुदेव्यः सत्ता स्वरूप ग्रंथ है पंडित बागचंद जी साहब की रचना लगभग 103-104 स्वाध्याय अपने हो चुके हैं 100 के ऊपर स्वाध्याय की श्रेणी आगे हम आप लोग बढ़ा रहे हैं। अस्तित्व गुण के संस्कारों को अस्तित्व भावना के संस्कारों को दृढ़ करना इस प्रकरण का मूल उद्देश्य है। गुरुदेव श्री एक बात कहा करते हैं, जिस धर्म में जिस दर्शन में सर्वज्ञ की सत्ता ही नहीं है सर्वज्ञ की श्रद्धा ही नहीं है वहां कोई तत्व की व्यवस्था ही नहीं बन पाती, क्योंकि सर्वज्ञ की स्वीकृति में ही वस्तु स्वरूप का स्वीकार होता है। ये बहुत मार्मिक बात है, सर्वज्ञ की सत्ता की स्वीकृति मतलब वस्तु स्वरूप का स्वीकार, आत्मा परमात्मा का स्वीकार, पुण्य पाप का स्वीकार, पुण्य पाप के फल का स्वीकार। अरे नरक निगोद स्वर्ग आदि का स्वीकार, संसार और मोक्ष का स्वीकार, सारी श्रेणी सर्वज्ञता की स्वीकृति में ही संबद्ध है। इसलिए अणमो अरहंताण, उन अरहंत भगवंतों को नमस्कार हो, या अरहंत भगवंतों को नमस्कार हो अर्थात उन सर्वज्ञ वीतरागी जिनेन्द्र भगवंतों को मेरा प्रणाम हो वंदन हो, ये उसके पीछे का भाव है। इतनी मार्मिक बात है, आप सोचिएगा कि एक सर्वज्ञ की स्वीकृति में सारी सत्ता स्वीकृत हो जाती है, आत्मा परमात्मा सुख दुख के फल कारण कर्म कर्म सिद्धांत भी है, गुणस्थान है, मार्गणा स्थान है, नरक निगोद आदि है, किसने देखे? सर्वज्ञ भगवान ने देखे। सर्वज्ञ के स्वीकार में सर्वज्ञ की हर बात सहज ही स्वीकृति में आ जाती है। बहुत बहुत मार्मिक बात है। 6 सामान्य गुणों में सबसे पहला गुण कौन सा है? सबसे पहला गुण है अस्तित्व। तो वो जो अस्तित्व ही हमें बताता है कि पहले हां पाड़ो। मैंने कई उदाहरण दिए इससे पहले कि माँ बाप नक्की करे योग्य पात्र को, लेकिन घर में पहले अपनी बच्ची से अपनी लड़की से अपने लड़के से हां हो तो की बात है ना। हाँ नहीं तो हजी ना पाड़े छे, समझे? वो तो अभी भी ना कहता है तो कैसे ढूंढे? देखो आप, हाँ पाड़ो तो अहीं आओ, ना पाड़ो तो नरक निगोद मा जाओ। अभी 3 दिन पहले गुरुदेव ने बोला था,
हाँ पाड़ो तो वहीं आओ, अने ना पाड़ो तो नरक निगोद मां तो जवानु छे। हाँ अबो अद्भुत बात छे, अस्तित्व नो स्वीकार। हाँ तो एक तो बात आ, हवे आमा जे प्रकरण आगे आगळ आपणे लईए छीए एनी चर्चा जो हूँ आगळ वधारो छु, आप सौ पासे छे ज, एटले हूँ तस्दी नथी लेतो आमा शेर करवानो, क्योंकि एमा उपयोग बहु भमे। आगे का प्रकरण मैं सीधा यहां से पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। देखिए 19 नंबर के पेज से हम आप लोगों ने काफी कुछ प्रकरण पढ़ा था। नीचे का तीसरा पैराग्राफ है, अनुमान तब होता है जब साध्य साधन की व्याप्ति रूप सत्य तर्क पहले हो। ये बहुत मार्मिक चर्चा कल हम आप लोगों ने की है। जिसके पास स्वानुभव प्रत्यक्ष होता है उसी को अनुमान नाम का परोक्ष भी यथार्थ होता है। यहां अपन सम्यक ज्ञान के रूप में ही बात कर रहे हैं। जिसे स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसी को स्मृति प्रतिविज्ञान तर्क अनुमान आगम आदि परोक्ष ज्ञान सही होते। बस बेटूक दो टूक बात है, समझ में आई बात? इतनी बात याद रखना, ये कोई पुराण नहीं है, ये कथा नहीं है, ये जो मैंने बोला है बिल्कुल गांठ बांध के रखना। हाँ जिसे स्वानुभव प्रत्यक्ष होता है उसी का परोक्ष ज्ञान भी सही होता है, सम्यक होता है। उदाहरण दिया था अपन ने, पानी गर्म है तो पानी गर्म है अज्ञानी भी जानता है ज्ञानी भी जानता है, लेकिन अज्ञानी का जानना गलत मिथ्या और सम्यक दृष्टि का जानना सही। क्यों ऐसा है? क्योंकि सम्यक दृष्टि को स्वरूप विपर्यास नहीं है, सम्यक दृष्टि के ज्ञान में कारण विपर्यास नहीं है, सम्यक दृष्टि के ज्ञान में भेदा भेद विपर्यास नहीं। ये तीन विपर्यास, अभी तीन चार दिन पहले गुरुदेव श्री ने तीनों शब्दों को बोला था सुबह के प्रवचन में, ज्ञानी और अज्ञानी को समझाने के लिए। बात समझ में आ रही है? दवा कौन सी लेनी है ये डॉक्टर सर्टिफाइड करेगा, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि उसका स्वरूप क्या है, उसका कारण क्या है, उसका भेदा भेद क्या है। मरीज अपने दिमाग से ले नहीं सकता है। समझ में आई बात? कितनी दृष्टि की, कैसी गजब की कमाल है। स्वरूप कारण और भेदाभेद, देखो बहुत सुंदर बात कह रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से, बहुत उपयोग एकाग्र करके सुनना। मैंने शायद उदाहरण में दिया था आपको, सोना सुवर्ण द्रव्य, सोने को ज्ञानी भी जानता है और अज्ञानी भी जानता है, किसका जानना सही है? रज कण के वे मानी करी थी देवनी, सर्वे मान्या उद्गल एक स्वभाव जो। ज्ञानी माने सो सही, अज्ञानी माने वह गलत। क्यों ऐसा है? क्योंकि ज्ञानी जानता है ये सोना तो धूल है। क्या ये स्वरूप विपर्यास, ये स्वरूप का यथार्थ ज्ञान, सोना तो धूल है और सुवर्ण द्रव्य मिला कैसे है? कि कहीं पुण्य का कर्म किया था उसके कारण मिला है, धर्म का फल नहीं है। सोना संपत्ति ये धर्म का फल है नहीं। ये पुद्गल परमाणु से बना हुआ है, ये पुद्गल की रचना है। आज का ग्रंथ आप लोगों के पास है, ये समय समय सार वैभव लेके बैठे हैं आप लोग, यदि है तो देखना, अपने तो आप उसमें निकालना।
टेबलेट में वगैरह आप लोगों के पास होंगे, उसमें एक बहुत सुंदर बात, अभी दो दो चार मिनट बाद मैं आपको उदाहरण देता हूँ, वो बात बताना चाहता हूँ मैं। आज मैं दोपहर पढ़ रहा था तो बहुत आनंद आया, गुरुदेव श्रेणी इतनी सुंदर उसने तुलना की है, मजा आ गया। वो नवनीत भाई का उदाहरण दे करके बर्फ बर्फ शिल बर्फ की शिलाओं का उदाहरण दिया, बहुत बहुत सुंदर उसका तुलनात्मक, मतलब समझो आप 308 नंबर के पेज पे प्रकरण है, वो बर्फ का उदाहरण दिया है। उसमें उन्होंने इतनी सुंदर चर्चा की है, मतलब बर्फ के खाते में क्या और कैसे, और आत्मा के खाते में क्या और कैसे। सुनना, केवोचे पूर्णानंद पूर्ण ज्ञान घन, ये तो पूर्ण ज्ञान घन छे, ये तो पूर्ण ज्ञान घन है, वस्तु ज्ञान घन है, वस्तु अर्थात निबड़ छे, जेम शिला बर्फ निशिला, जेम पूर्ण शीतल घन छे, शीतल घन छे, एम भगवान पूर्ण ज्ञान घन छे। ऐसा लगता है कि जड़ के साथ चैतन्य की समानता सिद्ध कर रहे हो, बराबर। अब देखो धीरे 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 डेप्थ बढ़ता है, निवड़ नकोर पूर्ण ज्ञान घन अरूपी स्वरूप छे, अरे भारे वाह, बर्फ नी शिला जेम चार मननी पांच मननी, मुंबई में बहु होए, मुंबई में बड़ी बड़ी बर्फ की शिला कभी गुरुदेव ने देखा होगा तो कहते हैं मुंबई में बहु होए, रास्ता में निकलिए तो ओला खटारा में होए, नवनीत भाई बोलो बर्फ जातो होए ना क्या, खुली खुली पांच पांच मननी आवड़ी खुली पड़ी होए। अब सुनना ध्यान से, आ भगवान आत्मा एकलो शीतल ठंडो, अब ये अतींद्रिय के पक्ष में आ गए, आनंद कंदनी शिला शरीर प्रमाणे घन पड़ो छे आखो बापू। अब देखो कंपैरिजन करते हैं, पण ए तो घना रज कण ना पिंड नी एक शिला, बर्फ देखो स्वरूप में भेद कैसा है, ये स्वरूप का भेद विज्ञान कहते हैं, वो तो अनंत रज कणों का पिंड, आ तो एक द्रव्य, क्या कहा, आत्मा तो एक द्रव्य, वहां अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड एक द्रव्य, ओला तो अनंता द्रविनी बर्फनी शिला, क्या कहा क्या कहा, वो बर्फ की जो शिला एक दिख रही है ना, वो एक नहीं है, उसमें अनंत बर्फ के टुकड़े, कहने का मतलब वो अनंत परमाणुओं का पिंड है। आगे एक बहुत सुंदर शब्द गुरुदेव ने बोला है, ओला तो अनंत द्रव्यनी बर्फनी शिला, परमाणु 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 परमाणु, अनंत 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 है कि नहीं, उसमें उपचारिक द्रव्य थयु, ए तो क्या कहा, वो जो बर्फ की शिला है ना, बर्फ की शिला वो तो उपचार से द्रव्य है, नहीं समझ में आया, वो एक द्रव्य नहीं है, वो अनंत द्रव्यों का पिंड स्कंद है, इसलिए वो उपचारिक द्रव्य है, बराबर। और आगे विभाविक पर्याय था, देखो परमाणुओं का पिंड है इसलिए उपचारिक द्रव्य, और वैभाविक पर्याय है ना, विभाव रूप पर्याय है, वो एक परमाणु है तो वो स्वाभाविक है, लेकिन अनंत परमाणुओं का पिंड है वो तो विभाविक पर्याय। अब इसके लिए प्रवचन सार पढ़ना पड़ेगा तब ये पैराग्राफ समझ में आएगा। हमें एक शिला दिखती है बर्फ की, गुरुदेव को क्या दिखते हैं, अनंत पुद्गल परमाणु जो शुद्ध द्रव्य है, उन अनंत द्रव्यों की एक पर्याय है वो, इसलिए उसको बोलते हैं उपचरित द्रव्य है और विभाविक पर्याय है। समझ में आ रही बातें,
कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से, माँ के संबोधन से जानता है, कोई दूसरे सगा संबंधी में से आ जाए और वो कहे मामी जी, तो बच्चे को लगता है मैं तो मम्मी जी कहती हूं, ये मामी क्यों कह रहा है, वो मम्मी है कि नहीं, अच्छा मामी भी है कि नहीं, मामी भी है, क्योंकि उसमें मामी का उपचार भी मम्मी का उपचार भी दोनों का उपचार संभव है। हाँ, तो ऐसे ही अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है इसलिए उपचरित द्रव्य, लेकिन है वो स्कंद इसलिए वो पुद्गल की पर्याय। देखो कितना बढ़िया, 5 सेकंड लगे होंगे गुरुदेव श्री ये बोलने में, वकील साहब गुरुदेव श्री ना प्रवचन जेटला सहला समझिए छे एटला सहला नथी, केम गुरुदेव अहीं उपचारिक द्रव्य केम कीधु अने विभाविक पर्याय केम कीधु, एक ज बरफनी शिला ने तो एनो स्वरूप समझावे छे, आ तो स्वाभाविक द्रव्य, भगवान आत्मा तो स्वाभाविक द्रव्य, देखो वो वैभाविक द्रव्य ये स्वाभाविक द्रव्य, अनुपचारी वास्तविक पदार्थ पूर्ण ज्ञान घन छे, अनुपचारी कोई उपचार नहीं। एक बात कहूं मैं आपसे, हम आप लोगों का भगवान आत्मा अनुपचारिक द्रव्य, उस द्रव्य स्वरूप के प्रति कोई उपचार नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी में उपचार के अलावा कुछ और है ही नहीं। हाँ, क्या कहा, फॉर्मेलिटी उपचार मतलब, हाँ क्या है ये, संबंधों के माथाकूट, लड़ाई झगड़े, हाँ सामाजिक व्यवस्थाओं में लड़ाई झगड़े, खाना पीना घर परिवार बाजार सब जगह अलग 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 चेहरों में महाभारत की लड़ाई चल रही है। क्या गजब की बात है, अष्टानिका चल रही ना, अष्टानिका तो नंदीश्वर द्वीप में स्वर्ग के देव लोग जाते हैं, कभी आप लोगों ने सोचा नंदीश्वर को नंदीश्वर क्यों कहते हैं? नहीं सोचा ना सुमेर का गजपंता में जाकर के रहो, बंबई छोड़ करके तब समझ में आएगा नंदीश्वर को नंदीश्वर क्यों कहा जाता है, सुनना, नंद अर्थात आनंदित होना, नंदित होना, जैसे नंदन मतलब बेटा, नंदिनी मतलब बेटी होती, क्या कहा, इयम श्वेतल नंदिनी अस्ति, जो मुझे बोलना होवे यह मेरी श्वेतल नाम की बिटिया है, ऐसा मैं बोलू, इयम मिशा नंदिनी अस्ति, यह मेरी मिशा नाम की बिटिया है, समझ में आ रही बात, तो नंदिनी मतलब बेटी होती और नंदन अर्थात पुत्र बेटा होता है, तो नंद मतलब होता है मन ने मन को जो आनंदित करता है, नद नद धातु है, नद मतलब नाचना, क्या कहा, नदती, नदी को नदी क्यों कहते हैं, नदी नाचती हुई जाती है इसलिए नदी को नदी कहते हैं, ओहो आ शास्त्री में बधु भणवामां आवे, हाँ बधु आवे, आखी दुनिया नु आवे, नदी ने नदी केम केवामां आवे, नदती इती नदी, जो उछलती कूदती हुई जाती है इसलिए उसका नाम नदी, ऐसे नंदन क्यों कहा जाता है बेटे को, क्यों उसको देख देख करके दिल गार्डन गार्डन होता है, दिल बाग बाग होता है, आयो मारो बक्कू, समझ में आ रही बात, तो बेटा बेटे को नंदन कहते हैं, बेटी को नंदिनी कहते हैं, तो नंद अर्थात आनंद, और ईश्वर
उस नंद से जो भरी हुई है, नंद से जो भरा हुआ है, उसे कहते हैं नंदी। क्या क्या कहा? नंद से जो भरा हुआ है उसे नंदी। लेकिन उन नंदियों में भी जो ईश्वर, मतलब प्रचुर आनंद और प्रचुर खुशी और प्रसन्नता जहां भरी हुई है अकृत्रिम चैत्यालयों के कारण, उस जगह का नाम नंदीश्वर। केदी सांभळशो, केदी वाचशो, केटली अष्टानिकाओ आवी अने केटली अष्टानिकाओ गई। एक एक शब्द ना अर्थ होय छे, बिना किसी प्रयोजन कोई अर्थ नहीं होता है। समझ में आ रही बातें? हाँ, तो नंदीश्वर को इसलिए नंदीश्वर कहा जाता है, वो नंदियों में भी ईश्वर है। प्रचुर सुख, पुष्कल, प्रचुर, संस्कृत में उसको पुष्कल बोलते हैं, पुष्कल ऐसा है। तो बर्फ की शिला भी द्रवी कहलाता है, या भगवान आत्मा भी द्रवी कहलाता है। तो स्वरूप का ज्ञान है, तो ज्ञानी भी सुवर्ण को जाने और अज्ञानी भी सोने को जाने। अरे अज्ञानी जानता है मैंने कमाया, ये मेरा धन है, मैं इस धन से श्रीमंत हूं, अमीर हूं, ये मैंने कमाया है। और ज्ञानी क्या कहता है? वो अपने क्षेत्रांतर से आया है। क्या कहा? उस सुवर्ण द्रव्य का क्षेत्रांतर हुआ है। अज्ञानी को क्या लगता है? मैं सोने के गहनों से सुंदर दिखता हूं। और ज्ञानी को क्या दिखता है? अरे सोने के गहने पहनना ये तो मुर्दे को सजाने जैसा है। क्या समझ में आ रहा? क्या कह रहा हूं मैं? ये स्वरूप विपर्यास, स्वरूप का भेद विज्ञान। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ये कौन बोल रहा है? ज्ञानी बोल रहा है कि अज्ञानी? ज्ञानी ये बोल रहा है, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। और अज्ञानी क्या बोलता है? नहीं, जब जिंदगी में लॉकडाउन की स्थिति आएगी तो सोना काम आएगा, जब गरीब आई आएगी तो कमाया हुआ धन काम आएगा। और ज्ञानी क्या कहता है? कमाया हुआ भले ही धन हो, तेरा पुण्य का उदय हो तो काम आएगा, पाप का उदय हो तो नहीं आएगा। स्वरूप का ज्ञान, कारण का ज्ञान, भेदा भेद का ज्ञान ज्ञानी को स्पष्ट है। चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती खूब गहने पहने हुए हो राजपाट में, तब भी भेद ज्ञान वर्त रहा है। और अज्ञानी सब कुछ छोड़ छाड़ करके दिगंबर होकर के जंगल में घूम रहा है तो भी अज्ञानी है। संयोगों को छोड़ने से कुछ नहीं होता है, अंदर में संज्ञा छूटनी चाहिए। क्या कहा? अंदर में संज्ञा छूटनी चाहिए। संज्ञा मतलब वासना। क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता है, काशायिक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है। इसका भान ज्ञानी को होता है। गहनों से लदे हुए शरीर को देख करके ज्ञानी को वैराग्य आता है और अज्ञानी को और राग उछलता है। बोलो, समझे? समझ में आ रही बात? राजपाट संपत्ति को देख देख करके ज्ञानी को दीक्षा के भाव होते हैं, वैराग्य होता है।
और अज्ञानी को लगता है कि मैंने इतना कमाया, अब मैं दुनिया में सबसे बड़ा धनवान। अभिप्राय भेदे भेद, क्या कहा? अभिप्राय भेदे भेद, वस्तु भेदे भेद नहीं, अभिप्राय भेदे भेद। बहुत सुंदर वाक्य है, याद रखना आप। अभिप्राय में भेद हुआ अर्थात सब कुछ भेद हुआ। बहुत पहले मैंने एक स्टोरी भी सुनाई थी आप लोगों को। एक भाई विदेश में रह रहा है, दूसरा भाई इंडिया में रह रहा है। एक भाई विदेश में रह रहा है, दूसरा भाई इंडिया में रह रहा है। तो विदेश में रहने वाला भाई अपने बेटे को इंडिया में रहने वाले भाई के पास रखता है पढ़ने के लिए, संस्कार मिले, सामाजिक जीवन मिले, हाँ, संस्कृति में पले बढ़े। सालों बाद वो देखने आता है कि चलो अपन अब बेटे का क्या हाल हवाल है देखते हैं। तो भाई तो ये कहता था, अरे तुम्हारा बेटा तो मेरे बेटे से भी बढ़कर है, मैं तो बहुत उसे प्यार से पालता हूं, पोसता हूं, मेरे बेटे से भी ज्यादा उसे रखता हूं। दूसरे भाई ने कहा, जब वो अमेरिका में विदेश में रहने वाला भाई आया तो देखा अपना भाई खुद के बेटे को भी और भाई के बेटे को भी, दोनों को वो खिला रहा है, खेल रहा है उसके साथ। तो दोनों बच्चों को कहा कि जाओ सामने जो पेड़ है उस पेड़ को छू के आ जाओ। और दोनों हाथों में दो फल थे, दोनों हाथों में दो फल, देना तो उसे दोनों को है, देना तो दोनों को है, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ है। मतलब क्या गड़बड़ है? एक हाथ में रखा हुआ फल बड़ा है और दूसरे हाथ में रखा हुआ फल छोटा है। और दुर्भाग्य की बात यह थी कि जिस हाथ की तरफ वो दौड़ के आ रहा था लड़का, वो भाई का था, और जिस हथेली में हाथ में छोटा फल था उसकी तरफ दौड़ के आ रहा था खुद का अपना बेटा। समझाणू? चित्र ख्याल में आ रहा है आप लोग? मैं आपको अभिप्राय का परिवर्तन बता रहा हूं। अब क्या हुआ होगा सोचो आप, क्या चमत्कार हुआ होगा। देखो एक ने एक्शन तो करके बोल दिया, हाँ, अरे वो दोनों बेटे दौड़ के इसके पास आवे, इतने में जो बड़ा फल था उस फल को उसने अपने बेटे की तरफ किया और छोटा वाला जो फल था उस फल को भाई के बेटे की तरफ किया। और ये सारा नाटक किसने देखा? समझ में आई बात आपको? भाई ने देख लिया, तत्काल उसने निर्णय किया, अपने तो बस अपने होते हैं। हाँ, समझ में आया? न सच्चे की कीमत है न अच्छे की कीमत है, कीमत तो केवल अपनेपन की। क्या कहा? न सच्चे की कीमत है न अच्छे की कीमत है, कीमत तो अपनेपन की है। इतनी मार्मिक चर्चा, अभिप्राय भेदे भेद, हाँ, बहुत बहुत गहरी बात है। हमने तो स्फटिक भगवान के दर्शन किए, अरे भगवान स्फटिक के होते ही नहीं है। हमने तो पंच धातु के दर्शन किए, ओहो पंच धातु के, लेकिन भगवान तो वीतरागता के पिंड होते हैं, ज्ञान के घन पिंड होते हैं, लेकिन हमारे मुंह में पानी आ जाता है। स्फटिक ना भगवान, पंच धातु ना भगवान, अरे भगवान भगवान ना होई छे, भगवत स्वरूप थी बनेला होई छे टंकोत्कीर्ण। तुझे वीतरागी में भी जड़ के दर्शन होते हैं। क्या कहा?
तुझे वीतरागी में भी जड़ के दर्शन होते हैं, तुझे अभी भगवान के दर्शन भी करना नहीं आते हैं। समझ में आई बात? हाँ, तुझे अभी भगवान के दर्शन भी करना नहीं आते हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो तुम। मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। गुरुदेव श्री ने जो ये उदाहरण दिया बर्फ की शिला वाला और भगवान आत्मा वाला, क्या गजब का कंपैरिजन किया। उस पूरे पैराग्राफ के ऊपर एक घंटे का बढ़िया लेक्चर अपन कर सकते हैं तैयार, 10 पेज का बढ़िया उसमें पीपीटी फाइल बन सकती है। स्वरूप विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास, बर्फ में ठंडाई है, आत्मा में ठंडाई नहीं है। सुनो, बर्फ में इंद्रिय जन्य शिथिल शीतलता है, इंद्रिय गम्य शीतलता है। क्या कहा, क्या कहा? इंद्रिय गम्य शीतलता है, आत्मा में अतीन्द्रिय गम्य शीतलता है। समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? हा? अच्छा, बर्फ के उस जल को पीना तो पाप है क्योंकि वो अनछना जल है। समझाणू, शरबत जारे पीए ने अपने तेमा बर्फ ना ओला गोला केवा लागे। हा, बोलो, थक मरिया नो शू पीवे बधाए? थक मरिया नो है ने फालूदा, फालूदा। हाँ, एमा जरी बरफ ना टुकड़ा नाको तो चार। हाँ, अने आपने राजकोट मा तो बरफ ना गोड़ा महा अभक्ष, बरफ पोते अभक्ष। सांभळो छो शौकीन श्रीओ, सांभळो छो एम पूछो छो। हाँ, पेंटा पेंटागोन वाला महाभक्ष अनगल पानी छे। हाँ, बरफ नो रस पाप नो रस, आत्मा नो रस आनंद नो धर्म नो रस। करो आप दोनों के बीच में भेद विज्ञान। हाँ, तो सुवर्ण को ज्ञानी भी जानता है, अज्ञानी भी जानता है। रजकण तारा रखण से जेम रखण तीरेत, पछि नर भव पामीश क्या चेत चेत नर चेत। ये ज्ञानी के स्वर है, ये अज्ञानी के स्वर नहीं है। अज्ञानी मालूम क्या कहता है, बेटे के लिए 5-50 लाख कमा के रखो तो दुनिया याद करेगी। हाँ, बीजू काई नहीं आवे मानस ने, नाम हारे आवे। अरे नाम ए नहीं आवे ने गाम ए नहीं आवे। क्या कहा? नाम ए साथे नहीं आवे अने गाम ए साथे नहीं आवे। बोलो, ये भेद विज्ञान जरूरी है कि? हाँ, इस भेद विज्ञान के लिए सारा प्रकरण है। अनुमान तब होता है जब साध्य साधन की व्याप्ति रूप सत्य तर्क पहले हो। बहुत मार्मिक बात है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष यदि होवे तो ही तेरा जान सब सही है, अनुमान भी तब सही है। अब यहां असिद्ध, ये भी पैराग्राफ पूरा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बहुत सुंदर पक्ष वाली बात आई थी। देखिए, अरहंत का मूल स्वरूप तो भाषित हुआ नहीं है, तब ये कहते हैं कि कुल पद्धति में भी उन्हीं का नाम कहने में आता है और शास्त्र में भी सुना है कि 18 दोष रहित है, 46 गुणों से सहित है, विराजमान है, ध्यान मुद्रा के धारक है, अनंत चतुष्टय सहित है, समो शरणादि लक्ष्मी से विभूषित है। आप लोग देखें, मोक्षवा प्रकाशक ग्रंथ है आप लोगों के पास? मोक्षवा प्रकाशक निकालो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 7वें अध्याय में कुल परंपरा से धर्मधारक जो व्यवहारवासी वाला प्रकरण है
उस प्रकरण में हम आप लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो उसमें हाँ, कुल परंपरा से धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि वाला प्रकरण, पेज नंबर 218, 218 पेज गुजराती में, हिंदी में जो भी है सातवें अध्याय में आप लोग निकाल लीजिए। हाँ, बहुत मार्मिक प्रकरण है, बहुत एकाग्रता से सुनिए। कोई जीव तो कुल क्रम वड़ेज जैनी छे, कोई जीव तो कुल परंपरा से जैनी है, पर जैन धर्म नु स्वरूप जानता नहीं। देखो एक बात सुनना, जैन कुल में जन्मा हो या नहीं भी जन्मा हो, लेकिन जैन परंपरा को अपनाने वाले की बात कर रहे हैं, स्वरूप जानता नहीं है, देखा देखी। हाँ, जैसे जिस गली में रहते हैं तो आड़ोस पाड़ोस वाले जैन मंदिर जाते हैं तो खुद भी जाते हैं। सांभलो बताया, वो गंभीर बात करो छुआ। हाँ, पाड़ोसी जाए छे ले आपड़े जाइए छे। हाँ, ओला कांजी स्वामी ने माने ले आपड़े पण कांजी स्वामी ने मानवानो। अरे लेकिन इसमें देखा देखी का काम नहीं है, स्वरूप का निर्णय होना चाहिए। देखो, पण जैन धर्म नो स्वरूप जानता नथी, मात्र कुळमा जेवी प्रवृत्ति चालती होय। हाँ, कुळमा समझाय छे, कुळमा बिल्कुल रूटीन। हाँ, आपणे अष्टानिका आवे एटले पूजा करवानी, पर्युषण पर्व आवे एटले विद्वानोने बोलावानुं। तो आ तो एक सामाजिक आयोजन थयुं, पण आ सामाजिक आयोजन पछी अंदरमां विशुद्धि, रूटीन नहीं। देखो बहुत सुंदर बात है, मात्र कुळमां जेवी प्रवृत्ति चालती आवे छे तेज प्रमाणे प्रवर्ते छे, उसी प्रकार प्रवर्तन करता है। त्यां जेम अन्य मति पोताना कुल धर्म मां प्रवर्ते तेज प्रमाणे आपण प्रवर्ते, वहां जैसे अन्य लोग अपने मत मतांतर के अनुसार प्रवर्तन करते हैं, ऐसे ये भी करता है। जो कुल क्रम तीज धर्म होए, जो कुल क्रम से ही धर्म होता होवे, तो कहते हैं मुसलमान आदि सर्व धर्मात्मा आज ठरे। आज कौन सा दिन है? हाँ, हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है, हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान में वर्धमान की आवश्यकता है। आज दुनिया में हिंसा का तांडव, ऐसा लगता है कि ऐसे हिंसा के तांडव में अहिंसा का धर्म मानो सिसक रहा है। सोचो तो सही, आप राजकोट में भी सदर बाजार से आगे फूलचाप चौक में जाते ना, अब वहां से जाया नहीं जाता है। सोचो तो सही आप, हाँ, चारों तरफ हिंसा का तांडव खुले आम, ऐसा पाप का उदय है, ऐसी क्षेत्र की विचित्रता है। हाँ, तो मुसलमान आदि भी धर्मात्मा हो जाए कहते हैं, यदि धर्म को मानने से मतलब। अने तो पची जैन धर्म नो विशेष पण शुं रह्यो, तो जैन धर्म का विशेष क्या रहा? सब बस परंपरा जो बाप दादा की चल रही है उस परंपरा का ही निर्वहन करेंगे और धर्म हो जाएगा? तो देखिए, इसमें उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में से गाथा दी है बहुत बढ़िया, लोयम मीरायणीनायम नकुलकम कैयावी किं पुणतिलोय पहुणो जिनंद धम्मादिगारं मे। मैं पढ़ता हूँ, देखिए बहुत सुंदर है उसका अर्थ। लोक मा एवी राजनीति छे, क्या कहा? लोक में ऐसी राजनीति है, नीति, राजनीति मतलब कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं, डर्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, राजनीति कानून। क्या कह रहे हैं?
लोक में ऐसा कानून है। कैसा कानून है देखना, बहुत सुंदर बात है कि कुल क्रम वड़े कदी तेनो न्याय थतो नथी। कुल क्रम से कभी भी उसका न्याय होता नहीं है। बराबर, जेनु कुल चोर छे। क्या कहा? जिसका कुल परिवार चोर है तो कहते हैं तेने चोरी करता पकड़ी ले, उसे चोरी करते हुए पकड़ेंगे तो कुल क्रम छे ए मानी ने छोड़ता नथी। हाँ भाई, तमारा बाप दादा होनी तो परंपरा छे चोरी करवानो, जाओ तमने छूट, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है, उसे दंड ही दिया जाता है। पण दंड ज आपे छे, उसे तो दंड ही दिया जाता है। तो त्रिलोक प्रभु समझो, तो त्रिलोक प्रभु जिनेन्द्र देवना धर्माधिकार मा, आहा सुवर्ण अक्षरे लखवा जेवा अक्षरो छे। क्या कहा? सुवर्ण अक्षरों से लिखने लायक शब्द है। त्रिलोक प्रभु जिनेन्द्र देव के धर्माधिकार में, कौन से अधिकार में? धर्माधिकार में। शू कुल क्रमा अनुसार न्याय संभवे छे? ये प्रश्न पूछ रहे हैं अपने को। हा? मेरे बाद मेरा बेटा, हा? अरे मेरे बाद मेरे बेटे को गादी मिलनी चाहिए। अरे उसमें हैसियत होगी तो वो आएगा। समझ में आ रही बात? बाप दादाओं की और कुल परंपरा से कभी भी धर्म चलता नहीं है। आदिनाथ ने धर्म समोशरण में खुद के जाने के बाद बेटों को बिठाया। अरे जिसमें जो लायकत थी, जिसमें चक्रवर्ती बनने की थी सो चक्रवर्ती बन गया, कामदेव बनने की ताकत थी तो कामदेव बन गया, और कई तो गणधर बनने वाले थे उनके लायक थे तो गणधर बन गए। एक में भी तीर्थंकर बनने की ताकत नहीं थी, योग्यता नहीं थी। सांभळो छो बधाए ध्यान थी। आदिनाथ भगवान के, सुनना ध्यान से, आदिनाथ भगवान के किसी भी बेटे को, चाहे भरत हो, चाहे वृषभ सेन हो, चाहे बाहुबली हो, किसी को इस बात का टेंशन हुआ अब हमारे बापूजी मोक्ष चले जाएंगे, सिद्ध बन जाएंगे, तो अब तीर्थंकर कौन होगा, हमारे बाप के बाद अब कौन सा दूसरा तीर्थंकर? अरे ज्ञानी धर्मात्माओं को बाप दादा की कभी परंपरा की चिंता नहीं होती। समझ में आ रही बातें मैं क्या कह रहा हूं मैं आपको? अरे हाँ तो पढ़ो। बाप दादा की परंपरा थी नहीं हाले। अरे मैंने ऐसे कई सैकड़ों घर परिवार देखे हैं, बाप दादा गए घर खत्म। क्या कहा? क्या कहा मैंने? बाप दादा गए घर खत्म। फिर मंदिर की सीढ़ी कोई चढ़ने नहीं आता है, ऐसी स्थिति है। क्योंकि जिसका जो भाग्य था उसका क्षेत्रांतर हुआ, चले गए बस। हा? क्योंकि ये बाप दादा की परंपरा नहीं है धर्म, करे उसका काम है। क्या कहा मैंने? करे उसका काम है, धारण करे उसका धर्म है, आराधना करे उसकी आराधना है, साधना करे उसकी साधना है। बहुत अद्भुत बात। त्रिलोकी प्रभु जिनेन्द्र देव के धर्माधिकार में क्या कुल क्रम के अनुसार संभव है न्याय? वही जो पिता दरिद्री होए, यदि पिता दरिद्री हो गरीब हो तो पोते धनवान थाए। देखो बाप दादा हमारे पुराने बहुत पुरखे गरीब होते हैं, बेटे तो रातों रात करोड़पति हो जाते हैं, क्या कुल क्रम विचारी ने पोते दरिद्री रहते ज नहीं? देखो क्या कह रहे हैं, नहीं भाई हमारे बाप दादा भी बहुत गरीब थे तो हमें भी गरीब रहना चाहिए। कोई चाहता है ऐसा? हाँ, हमारे बाप दादा बैलगाड़ी चलाते थे, साइकिल चलाते थे, हमें भी साइकिल चलानी चाहिए।
अरे देखते ही देखते फोर व्हीलर गाड़ी आ जाती है, तो क्यों संपत्ति आदि में क्यों परंपरा नहीं देखते हो? कितनी सुंदर बात है ये। तो धर्म ना धर्म मा कुल नु शु प्रयोजन छे, क्या कहा? धर्म में क्यों कुल की बात सोचते हो? पिता नरक मा जाए अने पुत्र मोक्ष मा जाए, क्या कहा? रावण नरक में है, रावण के बेटे मोक्ष में है, यहाँ कुल क्रम क्या रहे हो? वहां कहाँ कुल क्रम रहा? जो कुल ऊपर दृष्टि हो तो पुत्र पण नरक गामी थवो जो ये, क्या कहा? यदि कुल क्रम को ही देखना होवे तो बेटे को भी कहाँ जाना चाहिए? नरक में जाना चाहिए ना। माटे धर्म मा कुल क्रम नु काई पण प्रयोजन नथी, धर्म में कुल परंपरा का कोई भी प्रयोजन नहीं है। शास्त्रों ना अर्थ ने विचारी ने, देखिए शास्त्रों के अर्थों को सोचकर काल दोष से जैन धर्म मा पण पापी पुरुषोए, क्या कहा? पापी पुरुषों ने कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवन आदि रूप तथा विषय कषाय पोषण आदि रूप विपरीत प्रवृत्ति चलावी होए तो तेनो त्याग करी जिन आज्ञा अनुसार प्रवर्तवु योग्य छे। याद रखना इस बात को, हाँ, क्योंकि विषय कषायों की विषय भोगों आदि की हमें आदत पड़ जाती है। क्या कहा? मुझे उदाहरण तो बहुत याद आ रहे हैं, लेकिन विषय कषाय के पोषण के लिए धर्म को ढाल नहीं बनाना। कुल परंपरा समझ करके धर्म को कभी भी अपनाना मत। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, समझ में आ रही बात? बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। बहुत बहुत गहन है ये विषय और अत्यंत प्रयोजनभूत है, समझने लायक। समझाणु? चलो समय हो गया है, मैं जब देखता हूं तो 8:30 के ऊपर ही वो मिनट काटा होता है। अभी मेरी नजर गई, शास्त्र भी सामने है, मोबाइल भी सामने है, घड़ी भी सामने है। शास्त्र के ऊपर ध्यान होता है अधिक से अधिक, श्रोताओं के ऊपर, घड़ी के ऊपर तो बाद में ही ध्यान आता है। चलिए अभी आप लोग एक बहुत सुंदर अट्रैक्टिव वस्तु सुनेंगे अभी, ठीक है? तैयार? गेट रेडी। मैं आपको एक बहुत सुंदर बात बताना चाहता हूं, बहुत मार्मिक, मजा आएगा आप लोगों को। हाँ देखिए, मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं, ये आप लोग विषय ध्यान से देखेंगे, हाँ, और बहुत बारीकाई से उसका थोड़ा सा अध्ययन भी करेंगे। देखिए क्या लिखा है, जैनी की शिक्षण पद्धति, बराबर, मतलब जैनियों की शिक्षण पद्धति कैसी? चातुर्मास, अभी चातुर्मास प्रारंभ होने वाले हैं ना, चातुर्मास अपने अभी प्रारंभ होंगे अष्टानिका के अंत में, तो चातुर्मास एक सेमिस्टर है, यूनिवर्सिटी की लैंग्वेज है ये, चातुर्मास एक सेमिस्टर है। आगम और अध्यात्म हमारा सिलेबस है, आगम में सब कुछ आ जाता है। वैसे आगम मतलब श्रुत परंपरा, जिनवाणी ग्रंथ हमारी स्टडी है, जिनवाणी ग्रंथ हमारी स्टडी है, शास्त्रों का स्वाध्याय, साधु संत निर्ग्रंथ मुनिराज साधर्मी, ये हमारे टीचर हैं, सिखाने वाले समझाने वाले, धर्म सभा स्वाध्याय सभा ये हमारी क्लास है, क्लासरूम, श्रावक हमारे क्लासमेट है, सांग रूपक अलंकार है, श्रावक श्राविकाएं हमारे क्लासमेट है। सप्त तत्व और छह द्रव्य, सात तत्व और छह द्रव्य हमारे लेसन है। चैप्टर्स, भक्ति और सेवा ये हमारे प्रैक्टिकल्स हैं, ये प्रैक्टिकल विषय हैं। आचरण जीवन में ये हमारी एग्जाम है, वाह, आचरण ये एग्जाम है।
और तीर्थंकर अरहंत भगवान सर्वज्ञ भगवान जो है ना परमात्मा, वे हमारे एग्जामिनर हैं। वो एग्जामिनर एग्जाम लेंगे, मार्किंग वो करेंगे। भाव एवं विशुद्धि हमारे परसेंटेज हैं। क्या कहा? भाव एवं विशुद्धि हमारे परसेंटेज हैं। और फिर सिद्धि और असिद्धि, सिद्धि का होना नहीं होना, सफलता मिलना नहीं मिलना, ये हमारा रिजल्ट है। आध्यात्मिक जगत में ज्ञान विज्ञान की यह सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है। समझाणु काय, समझ में आई बातें जो मैंने अभी कही आप लोगों को? हाँ, अभी इस यूनिवर्सिटी में भाग तो लिया है हम आप लोगों ने, अभी एटीकेटी लाना है कि यूनिवर्सिटी फर्स्ट आना है? हाँ, टॉपर बने रहना है कि एटीकेटी बने रहना है लेकर के? बस अपने अपने पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर है। ओम शांति। हाथ जोड़िए सभी, माँ जिनवाणी की हम आप लोग वंदना करते हैं। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार। जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गहे, सुपावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान दे, सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।